मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान को अलग अलग जातियों की श्रेणी में विभाजित करने पर दलित शोषण मुक्ति मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और मांग की है कि मनरेगा में मजदूरी भुगतान की अलग अलग जातियों की श्रेणी में विभाजित करने वाली एडवाइजरी तुरंत वापस आ जाए। दलित शोषण मुक्ति मंच और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का मानना है कि एक समान मजदूरों के हकदार श्रमिकों को विभिन्न जाति श्रेणियों में विभाजित करने का कोई औचित्य नहीं है। ये विभाजन मजदूरों के भुगतान पर खराब प्रभाव डालेगा। यह एडवाइजरी मनरेगा अधिनियम की बुनियादी समझ के साथ साथ समान वेतन अधिकार को संविधान की भावना का घोर उल्लंघन है। इससे एससी एसटी वर्ग के मजदूरों के अधिकारों पर विपरीत एवं गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया और भेजे गए ज्ञापन में कहा कि केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा जारी मनरेगा में मजदूरी भुगतान की अलग अलग जातियों की श्रेणी में विभाजित करने वाली एडवाइजरी तुरंत वापस ली जाए। मनरेगा में शामिल सभी मजदूर परिवारों को समय से मजदूरी का भुगतान किया जाए। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में कम से कम 200 दिन का होना चाहिए। मनरेगा मजदूरों को 600 रुपए दैनिक मजदूरी दी जाए और मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। प्रदर्शन करने वालों में कामरेड थार सिंह, एसपी सिंह के अलावा कामरेड अतिक अहमद, जाविद हुसैन, चंद्रपाल सिंह, आजाद सिंह, विक्रम सिंह, एडवोकेट साथी महिपाल सिंह, कासिम अली, शहाबुद्दीन, फूल सिंह, अतर सिंह आदि लोग मौजूद थे। जो राष्ट्रीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने मनरेगा योजना में एक बदलाव किया है कि जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी भुगतान की प्रक्रिया जातिगत आधारित कर दी, जातिगत श्रेणियों में बांटा है उसको। यानी जाटव अलग होगा, बाल्मीक अलग होगा, सैनी अलग होगा, जो जातियों के हैं वो सब अलग अलग होंगे, अलग अलग उनके पेमेंट होंगे, अलग अलग उनके बजट आवंटित होंगे। ऐसे में हमें डर यह है कि जो दलित जातियां हैं उनको नुकसान होने की संभावना है, उन्हें काम नहीं मिलेगा और काम मिल गया तो उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा, लंबे उन्हें टाला जाएगा इस बात के लिए कभी अभी बजट नहीं आया है, अभी ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो इसलिए हम दलित शोषण मुक्ति मंच और खेत मजदूर यूनियन दोनों संगठन इस बात का विरोध करते हुए हम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाले हैं। क्या मांग है? मांग यह है कि ये जो जातिगत क्लासिफिकेशन है इसको तुरंत बंद किया जाए, 200 दिन का काम दिया जाए, 600 रुपये मजदूरी दी जाए और अगर मजदूरी नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और जातियों में बांटना बंद किया जाए।